गांव के फादर पास्टर इरफान को दावत देते हैं तो आज की हजूरी में जो शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप खुदा बेटी खुदा रूह कुद्स का कि जिसने ये मौका बख्शा कि उसके कलाम की बातों को सीखा जाए सिखाया जाए और उन पर ध्यान किया जाए। आमीन। आज जिस मौजू पर हम बात करने को हैं आप सब लोग पहले से ही जानते हैं कि आज किस मकसद के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज के दौर में जब हम अपने इर्द गिर्द निगाह करते हैं तो एक मसीही अज़दवाज बहुत ही नाकाम नजर आ रहा है। तलाक का बहुत सा रुझान नजर आ रहा है। लड़ाई झगड़े नाराजगियां अलहदगियां मिसअंडरस्टैंडिंग सबब खुदा के कलाम से दूरी है। हम हर एक मामले के अंदर सीखना चाहते हैं हर एक पहलू के ऊपर गौर करते हैं लेकिन मैंने इस बात पर रिसर्च की देखा तहकीक की कि इस दवाज के ऊपर बहुत कम सीखा जाता है। और मैं इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करूंगा और शुक्रगुजार हूं खुदा बाप का भी और खुदा के खादम पास्टर असमत का भी कि जिनके दिल के अंदर खुदावन ने इस बात को डाला कि वो इस दवाज के ऊपर बात करें। और आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस पर निगाह करते हुए मसीही अज़दवाजी जिंदगी के ऊपर बात करेंगे। मसीही अज़दवाज आज का हमारा मजमून होगा। और आज के कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे क्या मसीही मियां बीवी की अज़दवाजी जिंदगी की निस्बत जो अपनी मुनफरद शख्सियत रखते हुए भी एक बंद में यूं बंधे होते हैं कि गोया यक दिल यक जान है। और ऐसे जोड़ों में जिनकी फर्क फर्क तबीयत होती है फर्क फर्क सोच होती है इसके बावजूद जब वो शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो वो अपनी सोच को यकजा करते हैं। और इसके साथ हम उन जोड़ों पर भी निगाह करेंगे जो बरसों एक दूसरे के साथ रहते हैं एक लंबी जिंदगी बसर करते हैं जब वो अपने अज़दवाज को शुरू करते हैं तो बड़ी मोहब्बत के साथ बड़ी यगानगत के साथ बड़ी कमाल दनाई के साथ वो इस अज़दवाज का शुरू करते हैं। लेकिन होता क्या है कुछ अरसे के बाद ये सारी बातें एक जगह पर रह जाती हैं और उनकी ये अज़दवाजी जिंदगी एक मजबूरी बन जाती है। या तो वो एक दूसरे के साथ इसलिए रह रहे होते हैं कि बच्चे हैं बच्चों की खातर वो एक दूसरे का साथ निभा रहे होते हैं या दुनियादारी की खातर या अपने माँ बाप की खातर या इसते नफ्स की खातर के लोग क्या कहेंगे वो एक दूसरे के साथ जिंदगी बसर करते हैं। वो रहते तो एक छत के नीचे हैं वो एक छत के नीचे जिंदगी जरूर बसर कर रहे होते हैं लेकिन उनके ख्यालात उनकी सोचें वो यगानगत नजर नहीं आती। और इसका सबब सिर्फ ये होता है कि उनकी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम नहीं होता। खुदा के कलाम के ना होने के सबब से उनकी जिंदगी खोखली और बनावटी जिंदगी होती है। दूसरों के सामने बहुत मेल जोल
जब वो घर से बाहर निकलते हैं, किसी के तरफ जाते हैं, किसी के घर मिलने के लिए जाते हैं, लोग कहते हैं कितनी मोहब्बत है इनके अंदर। और जब वो एक छत के नीचे आते हैं, फिर वो मोहब्बत बाहर छोड़ के आ जाते हैं। फिर तू तू मैं तू कौन मैं कौन, तेरे बच्चे मेरे बच्चे, तूने कर दिया मैंने ले लिया, उनकी जिंदगी के अंदर आ जाता है। और आज हम खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से चंद लम्हों के लिए इन चंद बातों के ऊपर गौर करेंगे। नंबर एक, इब्तिदा में शादी का तसव्वुर, शादी का मकसद, वो दोनों एक तंग होंगे, शादी का भेद क्या है, हम इन पॉइंट्स के ऊपर आज सुबह बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इनके ऊपर बात करें, मैं ये बात वाजिया कर देना चाहता हूँ। वैसे तो इंतजामिया ने बड़ा अच्छा किया, शादीशुदा जोड़े आगे बैठे और आज हर एक दूल्हा अपने दुल्हन के साथ है। आमीन। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था यहाँ दुआ करते हुए जैसे इज्तमाई शादी नहीं होती। आप महसूस कर सकते हैं आज फिर से, आज आप एक मसीही अज़दवाज में मजबूत होने वाले हैं। मसीही अज़दवाज को उन सारी बातों से जो इसे कमजोर करती हैं दूर करने वाले हैं। और जो पीछे बैठे हैं, वो बेटे वो बेटियां जो अज़दवाज के बंधन में बंधने वाले हैं या बनने का इरादा रखते हैं या मंगनी हो चुकी है, उनके लिए भी ये मैसेज ऐसा ही है। आए अपनी आंखों को बंद करें, किसी के लिए नहीं। हालेलुया। जुड़े एक दूसरे का हाथ पकड़े, रिजो लोरो बियन दबाओ कि बियन सत्ता और मिला रही। हालेलुया। दुआ करेंगे, ऐ खुदावन खुदा, खुदा एक कद्दूस, एलोहीम अदोनाई, लश्करों के रब, बदहानियत के खुदा, बादशाहों के बादशाह, रिश्तों को जोड़ने और बनाने वाले, आज सुबह तेरे पाक हजूर में ऐ खुदावन खुदा अपने आप को पेश करता हूं। और मैं इस बात का इकरार करता हूं ऐ खुदावन, मैं लायक नहीं हूं कि तेरे लोगों की तरबियत और तंबीह कर सकूं, लेकिन ऐ खुदावन तेरे बेटे यीशु के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं जिसने अपने लहू से धोया, अपने लहू से खरीदा और अपने कलाम की बातें मेरे मुंह में रखी हैं। मैं तेरा शुक्र करता हूं और मिन्नत करता हूं कि मुझे फजल बख्श कि मैं कमाल तनाई से तेरे कलाम को बयान कर सकूं और तेरा कलाम तेरे लोगों के लिए बरकत का सबब बने, बरकत का सबब बने और कसरत की बरकत का सबब बने। आमीन। आए मेरे साथ पहला हवाला निकालेंगे और इसमें हम अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। आज का मैसेज थोड़ा, बल्कि थोड़ा नहीं, थोड़े से ज़्यादा तालीमी मैसेज होगा और आपकी तवज्जो चाहूँगा। अगर तवज्जो ना की तो शायद आप इन पॉइंट्स को सही तौर से ना सीख सकें। मेरे साथ निकालिए पदाइश की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक का मुतालिया करेंगे। पढ़ने में कोई मदद कर सकता है? और आदम ने कुछ जो पानी और हवा के परिंदों और
पर आदम के लिए कोई मददगार उसके ना मिला और खुदावंद खुदा ने आदम का ऐसी चीज से दी और वो सो गया और उसने उसकी बस्तियों में से एक को निकाल दिया और उसकी जगह वो छोड़ दिया और खुदावंद खुदा ने उस बस्ती से जो उसने आदम से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है इसलिए नर नारी कहलाएगी क्योंकि वह नर से निकाली गई इस वास्ते मर्द अपनी माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वह एक नर होंगे और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे आमीन या तो बहन को लफ्ज की समझ नहीं आई या ये पढ़ते हुए शर्मा रही थी खुदा उनका कबूल कर दे इन आयात के अंदर जो हमने 18वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक का मुतालिया किया हम देखते हैं कि इब्तदा में इंसानी तारीख की ये पहली शादी थी और ये एक ऐसी शादी है जिसको जोड़ने वाला जिसका बनाने वाला जिसको पास लेकर आने वाला और इस शादी में खुद सिर्फ और सिर्फ खुदा शामिल था कलाम मुकद्दस बयान करता है कि जब खुदा ने जमीनों आसमान की बुनियाद रखी तो उसने हर चीज को जब वो बनाता गया तो लफ्ज बोला अच्छा है और पांच दफा खुदा ने इस लफ्ज को इस्तेमाल किया अच्छा है फिर जमीन आसमान को बनाया अच्छा है दिन रात बनाए अच्छा है समंदर बने हैं हवानात परिंद चिरिंद बने हैं अच्छा है लेकिन जब खुदा आदम को बनाता है आदम को बनाने के बाद जब उसकी तन्हाई को देखता है जब उस पर निगाह करता है तो कहता है आदम का अच्छा रहना अकेला रहना अच्छा नहीं है आदम पर आकर कहता है कि अच्छा नहीं है और फिर देखते हैं कि उसकी पसलियों में से उसके बदन में से एक हिस्सा निकालता है और उसके लिए उसका एक मददगार बनाता है लफ्जों पर गौर कीजिएगा उसकी तन्हाई को दूर करने के लिए आदम की तन्हाई में से उसको निकालने के लिए खुदा ने उसके बदन में से क्या किया किसके बदन में से उसके बदन में से एक अलहदा मट्टी नहीं ली कि एक मट्टी लेता और उस मट्टी को सानता जिस तरह से उसने आदम को खल किया इस तरह से नहीं बल्कि आदम की तन्हाई को दूर करने के लिए आदम में से उसकी पसली में से एक पसली को लिया ताकि उसका मददगार बने और औरत की पैदाइश के बाद अब फिर हम खुदा की अगर तखलीक के ऊपर नजर करते हैं तो पहले वो कहता है अच्छा नहीं और जब हवा को आदम के पास लेकर आता है जब आदम और हवा दोनों उसके सामने आते हैं तो फिर कहता है अच्छा बल्कि बहुत अच्छा है फिर उन्हें बरकत भी देता है उनकी अच्छाई का इनाम उन्हें देता है पहले उसे देखकर उसकी आंखों को भला नहीं लगा लेकिन जब उस सा मददगार उस में से निकलकर सामने आता है तो फिर उसे अच्छा लगता है और ये पहली शादी थी जिसने एकदम से इस दुनिया की तखलीक के नजरिए को देखने के नजरिए को तब्दील कर दिया पहले खुदा देख रहा है अपनी हर एक चीज को जो उसने बनाई है अच्छा है और आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है लेकिन मैं ये समझता हूं कि हवा के बनने के बाद हर वो चीज जो खुदा ने बनाई थी उसके अंदर रंग पैदा हो गए आदम को पहले वो चीजें अच्छी नहीं लग रही होंगी लेकिन जब हवा उसके साथ आई तो उसे हर एक चीज अच्छी लगने लगी उसकी तन्हाई को दूर कर दिया गया और उसे उसमें से एक मददगार दिया अब जब उसमें से उसे एक मददगार दिया
तो मैं समझता हूं मेरी दानिश में ये बात आती है, उसमें से उसे इसलिए उसने निकाला ताकि वो उसे उसी तरह प्यार करे जैसा खुद को करता है। वो उसे ताना ना दे सके, वो उसे किसी भी तरह से असीयत ना दे सके, वो उसे अपने से जुदा ना समझे। जब भी वो इस तरह की कोई बात करे तो उसे ख्याल आए मेरा हिस्सा है, मुझ में से निकला है, ये मैं ही हूं, मेरी तन्हाई को दूर करने के लिए ये मुझे दिया गया। लेकिन साथ साथ मैं इस बात को भी बताता जाऊंगा, आज का आदम तन्हा रहना पसंद करता है और खुदा तन्हाई को पसंद नहीं करता। खुदा एक को पसंद नहीं करता। इस शादी के अंदर, इब्तदा की शादी के अंदर, खुदा ने आदम को देखा कि वो अकेला है, तो उसे उसका अकेला रहना अच्छा नहीं लगा। उसने एक से दो कर दिए, उन्हें बढ़ाया और बरकत भी यही दी, फलो बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम कर दो, फैल जाओ जमीन के ऊपर, बढ़ते चले जाओ, इख्तियार रखो, हर एक चीज, हर एक नेमत जो इस दुनिया में पैदा की गई है वो तुम्हारे लिए है, क्योंकि अब तेरा मददगार, तुझे असलाह देने वाला, तुझे गिरने को उठाने के लिए तेरा साथी तेरे साथ मौजूद है। आमीन। दूसरी जो हमारा टॉपिक है, पॉइंट है, शादी का मकसद। पहला था इब्तिदा में शादी का तसव्वुर, और दूसरा है शादी का मकसद कि खुदा ने क्यों ये जरूरी समझा। एक बात तो हम शुरू में ये सीख रहे हैं कि उसने उसको इसलिए बीवी दी कि वो तन्हा था। मजीद इस बात को आगे बढ़ाते हैं, खुदा के इस बनाए गए शादी के इंतजाम का एक मकसद ये भी था कि आदम और हवा एक दूसरे के साथ रफाकत रख सके। वो दिन भर की मसरूफियत के बाद जब वो बाग में जाता, और हमने पढ़ा कि वो जाकर जानवरों के नाम रखता था, काम करता था, क्या करता था। और आज मैंने बहुत सारे आदम ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ ना ही रख देते, काम नहीं करते, समझते होंगे आप इस बात, वो सिर्फ क्या करते हैं, नाम ही रखते हैं, काम नहीं करते। लेकिन ये क्या करता है, काम करता है सारा दिन, बाग के अंदर जाता है, और जब वापस आता है तो उसको रफाकत देने के लिए उसकी मददगार उसके पास है। बेशक शादी का बुनियादी मकसद जो था वो था रफाकत और शराकत, ताकि ये अकेले ना रहे। और अगर हम पदाइश की किताब उसके दूसरे बाब की 18वीं आयत को देखें तो ये मकसद हमें पूरा होता नजर आता है। लिखा है, और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक मददगार इसकी मानत बनाऊंगा जिसके साथ ये रफाकत रखेगा, जिसके साथ ये मिला रहेगा, जिसके साथ ये शराकत रखेगा, जो इसकी मददगार होगी। और मैं समझता हूं कि जब आदम हवा को लेकर ठंडे वक्त बाग में खुदा से बात करने के लिए जाता होगा, उसे एक अजीब सी खुशी महसूस होती होगी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर अपने अंदर इस एहसास को महसूस करते होंगे कि मैं आदम के लिए बनी हूं और आदम मेरे लिए बना है, मैं आदम में से निकली हूं, आदम का मैं हिस्सा हूं, और आदम उसे अपने पहलू में खुदा के हजूर इसलिए लेकर जाता होगा कि अब जब हम खुदा से बात करेंगे तो खुदा हमें बरकत देगा। आमीन। मैं अपनी बात पर बताना चाहूंगा कि मेरी जब भी कभी घर में किसी बात से तल्ख कलामी होती है तो वो सिर्फ इसी बात पर होती है जब संडे को मेरी मिसेज लेट होती है, कि टाइम ऊपर होता जा रहा है, हमें चर्च लेट
जाना नहीं चाहिए बल्कि वक्त पर जाना चाहिए। इस बात पर मेरी अक्सर जब उनके साथ है तर्क कलामी हो जाती है, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, तो फिर मैंने ये कहकर खामोश हो जाता हूँ कि जिस दिन मेरा मैसेज हो कोशिश किया करो कि जल्दी तैयार हो जाओ ताकि मेरा ध्यान मैसेज की तरफ रहे, इस लेट टाइम की तरफ ना रहे। जी इस ये बात जो बता रहा था, इसको बताने का मकसद ये था कि आदम जब हवा के साथ जाता होगा तो उसके अंदर किस कदर खुशी महसूस होती होगी कि इस हवा को मेरे लिए खल किया गया है। हवा ये महसूस करती है कि उसे मेरे लिए बनाया गया है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि हाथ भर के खुदा के हजूर जाना है या हाथ पकड़ कर बाग के अंदर सैर करनी और घूमना है, बल्कि जिंदगी के हर शोबे के अंदर हम एक दूसरे के साथी बनाए गए हैं। खुदा चाहता था कि आदम और हवा हमेशा ये महसूस करते रहें कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है, वो एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। आज आदम ये समझता है कि सिर्फ मेरी हवा को जरूरत है, हवा की मुझे जरूरत नहीं है, और हवा ये समझती है मैं आदम की जरूरत हूं, आदम मेरी जरूरत नहीं है। खुदा ने उन्हें इसलिए बनाया और इकट्ठा किया कि वो हमेशा इस बात को महसूस करें कि हमें एक दूसरे की जरूरत है, हम दोनों को एक दूसरे पर इन्हेसार करना है, हम दोनों एक दूसरे की कुव्वत है, हम दोनों एक दूसरे की ख्वाहिश है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं, हम दोनों के ख्यालात एक हैं, हमें एक दूसरे को संभालना है, जब एक गिरेगा दूसरा उसको मजबूत करेगा, हमें एक दूसरे से रूहानी रफाकत रखनी है। आज जब बहुत सारे जोड़े मुझे इस बात के लिए कॉल करते हैं, भाई साहब हमारी औलाद नहीं है दुआ करें, तो मैं जब उनसे उनकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में पूछता हूँ, उनकी रूहानी जिंदगी के बारे में बात की जाए, तो वो बड़े आराम से ये जवाब दे देते हैं, जी मैं तो कर लैनी हाँ, वो नहीं करते। जब उनसे पूछा जाए आपकी रूहानी जिंदगी कैसी, बस जी जितना टाइम लगे कर लेता, मेरी बीवी बड़ी दुआ मुझे। उन्हें एक दूसरे पर इन्हेसार करना है, उन्हें एक दूसरे को रूहानी रफाकत भी देनी है, उन्हें एक दूसरे को खुदा की पहचान में उसकी गुर्बत में आगे लेकर जाना है, आगे बढ़ना है। अगर मर्द रूहानी तौर पर कमजोर है तो बीवी उसे मजबूत करेगी, और अगर बीवी कमजोर है तो मर्द उसे मजबूत करेगा। लेकिन अर्श की हवा मजबूत नहीं करती, आदम पर भी बारी आएगी, माथे पर बल ना डाले। आज की हवा ताने ज्यादा देती है, तुसी नहीं सुधे हो सकते, ताड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। वो उसकी माँ को भी बताती है, उसके भाइयों को भी बताती है, और अपने मोहल्ले के अंदर भी ये डंडोरा जरूर पीटती है, यानी ठीक हो सकते, पता नहीं वो केड़ा दिन से जिदन मैं इन्हां दे पले पै गई सी। हवा को उसका साथ देना है। खुदा का बंदा पालो ससुर कहता है, बीवियो तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारे सबब से तेरा शोहर बच जाए, और आज हवा अपने शोहर को खुद मारना चाहती है, वो उसके साथ रफाकत नहीं रखना चाहती। आज का आदम हवा के साथ रफाकत नहीं रखना चाहता, उसकी रफाकत सिर्फ और सिर्फ दूसरों के सामने है, खाना खाने की हद तक, एक प्लेट, एक चम्मच, एक से कपड़े, सोचा बकरियां बकरियां, ऐसा नहीं है। खुदा की शादी का मकसद ये था कि वह दोनों हर एक शोभा जिंदगी के अंदर एक सा सोचें, उन दोनों की रूहानी रफाकत मजबूत हो। और इस बारे में बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है, जब हम वाइल्स की किताब और उसका चौथा बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक का मतालिया करें, तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है एक से दो बेहतर है, एक से दो बेहतर है, एक गिरेगा तो दूसरा उसे उठा लेगा, और अकेला कैसे गर्म हो सकता है। अब मैं जब इस आयत पर गौर कर रहा था कि एक से
तो बेहतर हैं। और इस सारी बातों पर जब मैं गौर कर रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, जब आदम और हवा इकट्ठे रहते थे वो गुनाह से बचे रहे, और फिर एक वक्त आया कि जिसमें आदम हवा को अकेला छोड़कर चला गया। क्या हुआ? अकेला छोड़कर चला गया और अब्लीस ने उस अकेलेपन का फायदा उठाया। याद रखिए, खुदा का कलाम इस बात की ताईद करता है कि जब हवा से गुनाह हुआ, जब उसने फल खाया, उस वक्त आदम उसके पास मौजूद नहीं था। और मैं समझता हूं कि अगर उस वक्त आदम उसके पास मौजूद होता, वो दोनों इकट्ठे होते, तो वो एक दूसरे को हौसला दे सकते थे, एक दूसरे को समझा सकते थे और वो फल ना खाते। हवा अकेली थी, उसके बहकावे में आ गई। शैतान ने वक्त का फायदा उठाते हुए उससे कहा, क्या तुम दरख्त के सारे बाग के सारे दरख्तों का फल खाते हो? कहती है हाँ। तो नहीं, एक कदा नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? खुदा ने मना किया है। उसके बहकावे में आती है। आपने एक महावरा सुना होगा, एक और एक ग्यारह, ऐसे है ना माँ? एक और एक तस्दीक, क्योंकि माँ ज्यादा महावरे बोलते हैं, असल में तस्दीक करा रही है। एक और एक ग्यारह, अब हवा और आदम एक और एक ग्यारह थे, लेकिन हुआ क्या, जब वो अकेली रह गई, एक ही थी, और उसने रूहानी तौर पर एक बड़ा हमला उसके ऊपर किया और उसको गिराने में कामयाब हो गया। उसको गिराने में कामयाब हो गया। और जब आदम उसके पास आया, उसको रफाकत देने के लिए, उसको शराकत देने के लिए, तब तक वो गुनाह में गिर चुकी थी। और अकेले होने के सबब से उसने जब खुद गुनाह किया तो अब वो उसके बदन का हिस्सा थी। आदम को तो गुनाह हो ही गया। जब उसके बदन का, अगर उंगली को कट लगता है, उंगली कटती है तो जिस्म को दर्द होता है। क्यों? आपके जिस्म का हिस्सा ना, अगर पसली टूट जाए तो दर्द होती है, सिर तक जाती है ना, बोले दर्द होती है, पसली टूटने की दर्द होती है। कभी आप ही तोड़ लीजिए। नहीं, मैंने देखा डंडे लाके तोड़न दे, आज भन के छटांगा, दर्द भी महसूस नहीं होती। वो उसके बदन का हिस्सा थी, तो जब उससे गुनाह हो गया, उसके बदन को कट लग गया, आदम तो उसमें खाम खा शरीक हो गया, क्योंकि वो उसके बदन का हिस्सा है। और जरूरत इस अमर की थी, चाहिए ये कि आज का आदम और हवा, पहला पत्रस उसका तीसरा बाब और उसकी सातवीं आयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। अशोरो, तुम भी बीवियों के साथ अकलमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक जुल्फ जानकर उसकी इज्जत करो। एक नाजुक बर्तन, बिल्कुल ऐसा बर्तन, हाँ कह सकते हैं, औरतें ज्यादा अच्छा बता सकती हैं। नाजुक बर्तन किस तरह का होता है? मेरे ख्याल से साबुन डालते हुए ग्लास के अंदर हाथ डाला, वो शीशे का हो चाहे किसी और चीज का, लेकिन इतना नाजुक हो कि अगर ज्यादा जोर से उसके अंदर साबुन लगाया तो वो टूट गया। अज की हवा भी बड़ी टीट है, ते अज का आदम वो तो बड़ा टीट, वह भी कहना तोड़ के छड़ा मैं, तो भी कहनी मैं टूटी तो दसी। लेकिन कलाम ये कहता है कि उसको नाजुक जुल्फ जानकर, एक नाजुक सा बर्तन जानकर, उसकी क्या कर? इज्जत कर। और जब हम इसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं तो ना सिर्फ उनकी शादी का बुनियादी मकसद पूरा होता है, बल्कि वो खुदा की
बरकत को भी हासिल कर लेते हैं, खुदा की बरकत के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर भी करते हैं। जी सर, आप मेरे साथ इस हवाले को निकालिएगा प्लीज। सब आप साथ में आए थे आमें। खुदा का कलाम बयान करता है कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, हम हकदार हैं, हमें मिराश में बरकत ही मिली है। जब खुदा ने बनाया इससे पहले कि वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी को शुरू करते, उन्हें यह बताया गया कि फलो बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। खुदा ने उन्हें सबक ये दिया कि तुम्हें एक दूसरे के ऊपर इन्हें सार करना है। खुदा ने उन्हें सबक ये दिया कि तुम एक दूसरे के लिए बनाए गए हो। खुदा ने उनके अंदर ये एहसास पैदा कर दिया कि तुम एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। अगर तुम जिंदगी का लुत्फ उठाना चाहते हो, अगर तुम जिंदगी को बेहतर तौर से जीना चाहते हो, तो उसके लिए जरूर है कि तुम एक दूसरे के साथ रहो। और अगर तुम एक दूसरे से जुदा रहोगे तो तुम्हारी बुनियाद जिंदगी का बुनियादी मकसद जो है वो फोत हो जाएगा। अगर तुम एक दूसरे से रफाकत नहीं रखते, अगर तुम औरत को नाजुक सुर्ख जानकर उसकी इज्जत नहीं करते, और फिर कलाम बयान करता है ऐ बीवियों अपने शौहरों से क्या करो, डरती रहो, खुदा जानकर उसकी इज्जत करो। जिस तरह तुम खुदा से डरती हो अपने शौहरों से डरो, उससे मोहब्बत करो। और आज अगर ऐसा नजर नहीं आता तो उसका सबब यही है कि हम खुदा के कलाम से दूर हैं। खुदा ने आदम को हवा का सर बनाया, क्या बनाया, सर बनाया। और जब हवा को उसके बदन से निकाला, ये स्टोरी मैं पहले भी बयान कर चुका हूं इसलिए तफसील में नहीं जाऊंगा, और आप सब इस बात से आगाह होंगे कि जब उसने हवा को लिया तो उसके पांव से नहीं लिया, उसके सर से नहीं लिया, उसके बाजू से नहीं लिया। सर से लेता तो उसे गुलाम बना लेती, पांव से लेता तो मर्द उसे जूती समझता, लेकिन खुदा ने उसे उसके पहलू से निकाला। मैं इसको थोड़ा सा और वाज़ह करूंगा कि जब खुदा ने उसे उसके पहलू से निकाला तो उसकी जगह क्या भर दिया, कलाम क्या कहता है, क्या भर दिया, गोश्त भर दिया। उस कमी को, पसली की कमी को पूरा करने के लिए खुदा ने वहां पर गोश्त भर दिया। उस कमी को पूरा तो किया, जाहिरी तौर पर तो वो कमी महसूस नहीं हो रही, लेकिन आदम बातनी तौर पर उस कमी को महसूस करता रहा। यहूदी रबी का कौल है, वो कहते हैं कि जब तक आदम को वो पसली जो उससे निकाली गई थी नहीं मिलती, वो बेचैन रहता है। और औरत भी बेचैन रहती है जब तक के वो मर्द के पहलू में ना आ जाए जहां से वो निकली थी। दोनों के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। और मैं देखता हूं कि जब खुदा का बंदा अपने बेटे के लिए बीवी की तलाश चाहता है इसहाक के मामला में, और वो अपने नौकर को भेजता है कि जा इसके लिए बीवी तलाश कर, और वहां पर जब उसे रिश्ता मिल जाता है तो उससे पूछा जाता है क्या तू इसके साथ जाएगी, क्या तू इसके साथ जाएगी। वो कहती है हाँ, वो बड़ी खुशी से इसहाक के पास आने के लिए तैयार हो जाती है। और बेचैनी का आलम यह है कि जब तक वो पसली वापस नहीं आती, पसली भी बेचैन है और जिसकी पसली है वो भी बेचैन है। देखते हैं कि जब सफर कम हो जाता है, इसहाक बेचैन सा होता है और मैदान में टहलने के लिए निकल जाता है और दूर से देख रहा है
असली नहीं है जिता काई ना असली लैन आला है वो ध्यान कर रहा है देख रहा है घूम रहा है और दूर से पसली को कोई शख्स खड़ा नजर आता है और वो नौकर से पूछती है वो सामने कोई शख्स खड़ा है कौन है कहता चौल ढाल तो मेरे आका की लगती है देखने में मेरा आका इसहाक लगता है ये वही है चलना उसी का है यहां पर हम दोनों के अंदर एक बेचैनी देख रहे हैं देखा नहीं आज अगर मां बाप तस्वीर ना दिखाए तो व्हाट्सएप तो कितने नहीं गया ना उथे तो बंदा वेख ही लैंदा व्हाट्सएप ना सही तो फेसबुक एक ऐसा है वो फेस दिखाई देता है सर्च हो जाता है ऐसा ही है ना तब ऐसा नहीं था कोई व्हाट्सएप कोई ट्विटर कोई वो आजकल वो एक और भी चला है हा? वो भी नहीं था मंत नाम नहीं सही जान दिया वो भी नहीं था तस्वीर भी नहीं थी कि खाद से ला के कबूतर नु डाल दिया ले जा मेरे पिया नु वहा दे नहीं था लेकिन जिन रिश्तों को खुदा जोड़ता है जिन शादियों की बुनियाद खुदा रखता है और जिसकी वो पसली होती है वो हम दोनों के अंदर खुदा की बेचैनी मौजूद है एक दूसरे को पाने की बेचैनी मौजूद है मुझे याद है कि जब मैं सेमिनरी कर रहा था तो वहां पर अज़दवाजी जिंदगी को पढ़ते हुए इसी तरह बात पसली के ऊपर हुई तो मेरा एक दोस्त कहने लगा जब टीचर ने पढ़ाते हुए ये कहा कि तुम क्यों किसी दूसरी पसली के ऊपर निगाह करते हो अपनी पसली का इंतजार क्यों नहीं करते तो वो जरा शरारती भी था तो उसने हाथ खड़ा किया जवाब देने के लिए जब पूछा हाँ कहते जी मैं इधर उधर पसलियों को इसलिए देखता हूँ कि इनमें से मेरी कौन सी पसली है और फिर मैं चेक करता हूँ कि मेरी जो पसली होगी वो लग जाएगी तीन चेक हो जाए दस हो जाए वो टीचर जो थे उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ बगैर गुस्सा किए हुए से जवाब देने का बेटा जवाब और सवाल तो तेरा ठीक है लेकिन गौर कीजिएगा नौजवान लोग ज्यादा तौर पर जो ये समझते हैं पसली सारियां पसलियां च मेरी केड़ी है हुआ ये कि वो कहने लगी कि तुम गए और एक पसली लेकर आए जो तुम समझते हो कि मेरी है और वो पसली थी बड़ी तेरा ऑपरेशन किया गया पसली फिट की गई ते बड़ी पसली की करेगी एत्रो की तो आवाज आई चुभन दी कौन बोला हाँ जी क्या होगी पसली चुभेगी फिर तुम डॉक्टर के पास गए दर्द लेकर और वो दर्द हम साए भी सुनते ने एंज हो गया लग गया फड़ लिया और फिर डॉक्टर के पास गए ए पसली कटो पादरी साहब मैं इस पसली तो बड़ा तंग जे फिर ऑपरेशन हुआ पसली निकाल दी ओ थोड़ा सुकून आया फिर पसली की तलाश शुरू हुई लबो केड़ी पसली है फिर तुम एक पसली लेकर आए पसली थी छोटी फिर ऑपरेशन हुआ पसली फिट कर दी पसली थी छोटी क्या होगा हाँ जी पसली आ लियो क्या हुआ हाँ ये मेरे को नहीं जवाब आने में सारे कोई और भी जवाब दे दियो हाँ जी बजेगी कभी अदर बजे तो कभी अदर वो बजती नहीं पसली आगे पीछे बजती रही फिर तकलीफ वहीं की वहीं रही वो फिर डॉक्टर के पास आया और आकर कहने लगा डॉक्टर साहब ये पसली बड़ा तंग कर दी पहली चुभदी सी ये बजती नहीं थी कटो इस पसली नूं भी कटो ऑपरेशन हुआ पसली निकाल दी फिर एक और पसली लेकर आया उस पसली को डाला कहता है ये पसली फिट आएगी वो एक पोलो छोटी थी एक पोलो वड्डी सी इधरों फिट नहीं आती इधरों बाहर निकलने की कोशिश कर रही है कहना घर जाना तो सुकून नहीं बाहर आना तो थोड़ा जा रहता है फिर ऑपरेशन करवाया कितने हो गए छे तीन नहीं छे पहला करवाया रखवाई दूसरा करवाया निकलवाई तीसरा करवाया रखवाई चौथा करवाया निकाली तो ऑपरेशन कितने हो गए तो जिस बंदे दे छे ऑपरेशन होने का हाल की हो जा होएगा एंज ना टुरना जोगा रहा ते ना सौन जोगा रहा फिर वो बावला सा होकर फिरता रहेगा कमी चकर आंदे ने खून दी भई ये छे ऑपरेशन है ना खून तो निकलेगा कहते अगर तू एक ही दवा उस डॉक्टर के पास जाए जिसने तेरी पसली निकाली थी वो एक
और उसका ऑपरेशन यह था कि आदम को मालूम भी ना हुआ, उसके ऊपर एक गहरी नींद भेजी, उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और फिर खला खाली नहीं छोड़ा, उसके अंदर गोश्त भरा। कहता एक ऑपरेशन तो सारी उम्र का सुख, पसली आप ही लभनी है या रब दे? कहना नहीं सर पसली हो ठीक है जी डॉक्टर दे। और उसने उस पसली को जो उसमें से निकली थी वो हमेशा उसके इंतजार में रहे, उसके अंदर उसको पाने की लगन हो। और यहां मैं ये बताता चला जाऊं कि जब मियां बीवी एक बंधन में बंध जाते हैं, वो पसली जो उसके पास नहीं थी बेचैनी थी, और जब वो बेचैनी दूर होती है तो वो सिर्फ एक कपल तक महदूद नहीं रह जाते। आज खानदानों के अंदर ये बात भी देखने में मिलती है कि शादी के बाद कपल कहते हैं कि मैं एदी पसली ते मेरी पसली ते बस हुण असी एक दूजे दी पसली, बाकी सब खत्म। ऐसा नहीं है, उन्हें इसलिए बनाया गया, एक किया गया, क्या करें फले बढ़े और जमीन को एक था, कितने किए ते जी तो वदन के ते फिर तीन चार पांच भी कर लो, बढ़ते गए बढ़ गए जमीन पर फैल गए। तो जब एक से दो तीन चार होंगे तो वो कपल रहेंगे या क्या बन जाएगा? प्रेज गॉड। फिर वो एक घर को खियाम देते हैं, कपल बनने के बाद वो एक दूसरे का हिस्सा बनने के बाद शादी शुदा जोड़ा फले बढ़े। और खुदा की शादी को मुकर्रर करने की एक वजह यह भी थी कि वो बच्चे पैदा करें, वो घर को क़याम दें, वो खानदान को तश्कील दें। और मेरे अजीजों हमेशा याद रखें, एक मसीही मियां बीवी एक अच्छी कलीसिया को वजूद में लाने का सबब बनते हैं। एक मसीही मियां बीवी से, एक शादीशुदा जोड़े से खानदान बनता है और खानदान से कलीसिया बनती है। एक ईमानदार और खुदा के नाम को जलाल देने वाली कलीसिया तभी बनेगी जब जोड़ा ईमानदार होगा, जब वो खुदा के जलाल के लिए अपने आप को इस्तेमाल करेंगे, जब वो बाइबल की बातों के ऊपर जोर देंगे, जब वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक बसर करेंगे और अपनी नस्ल को अपने बच्चों को खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना सिखाएंगे। सिर्फ आपस ही प्यार नहीं कर दे रहना, बच्चों की तरबियत भी करनी, ये भी जरूरी है। और इसके लिए जब हम जबूर 78 उसकी पांचवी और सातवीं आयत का मुताला करते हैं तो लिखा है, क्योंकि उसने यकूब में एक शहादत कायम की और इसराइल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को तालीम दें, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान लें और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं कि वो खुदा पर आस रखें और उसके कामों को भूल ना जाएं बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करें। ये शादीशुदा जोड़े और खुदा का शादी का मकसद जो था वो जबूर 78 के अंदर हम देखते हैं कि क्या कर, अपनी औलाद के ज़हन नशीन तूने करना है, उन्हें खुदा के अहकामात की तालीम देनी है और वो आगे अपनी औलाद को दें। और जब पुश्त ये बात चलेगी, शरीयत को समझेंगे जानेंगे, तो मैं समझता हूं यकीनी तौर पर एक मजबूत और ईमानदार कलीसिया जो है वजूद में आएगी। याद रखें, शादी से खानदान बनता है और खानदान से माशरा, माशरे की अकाई जो है वो खानदान है। So, मैं ये समझता हूं कि हर मसीही शादीशुदा जोड़े का फर्ज है कि वो ऐसा घर बनाए जो खुदा को जलाल और उसकी वफादारी और उसकी गवाही देने के लिए हर वक्त तैयार रहे। वो अपने बच्चों को खुदावन के रास्ते पर चलाएं ताकि
एक मजबूत कलीसिया वजूद में आए जिसमें ना दाग ना धब्बा ना झुरी हो। और इसकी मिसाल हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं। कलाम इस बात की तायद करता है जब हम पहला सैमुएल और उसका तीसरा बाप और उसके 13वीं और 14वीं आयत के अंदर और फिर पैदाइश 18वां बाप और उसके 19वीं आयत का जब मुतालिया करते हैं तो उसमें हम देखते हैं पैदाइश 18:19 में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने अब्राहम के हक में फरमाया है उसे पूरा करें। और अब्राहम ने अपने बेटों को नसीहत की, अब्राहम के बेटों ने बरकत पाई। और इसके मुकाबला में जब पहला सैमुएल और तीसरे बाब की 13वीं 14वीं आयत का मुतालिया करें तो एली के बेटों ने क्या किया? एली के बेटों ने बरकत पाई, क्या मिली बरकत के सबब? क्योंकि उसके बेटे नाफरमान थे, उसने अपने बेटों को तरबियत नहीं की, अपने बेटों को समझाया नहीं है। क्योंकि मैं उसे बता चुका हूं कि मैं उस बदकारी के सबब से जिसे वो जानता है हमेशा के लिए उसके घर का फैसला करूंगा, क्योंकि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई और उसने उनको ना रोका। वो मुझे बात याद नहीं आ रही, शायद बाजी को याद होगी, पादरियां के बच्चे बहुत सारे खुदा के खुदाम जो हैं वो कलीसिया के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं लेकिन वो घर के मामले में तवज्जो नहीं दे पाते। बीवी और बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं और खुदावंद के शादी का मकसद ही ये था ताकि हम एक दूसरे का साथ दें। और खुदावंद चाहता है कि हम अपने घराने के ऊपर नजर रखें। आगे बढ़ते हैं, वो दोनों एक तन होंगे। पलसर सुल्का क्रंथस की क्लिसिया के नाम पहला कर उसका 7वां बाब और 5वीं आयत, तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ, ऐसा ना हो कि गलबाए नफ्स के सबब से शैतान तुमको आजमा दे। आमीन। ये बात बड़ी देर लगी मुझे इस बात को समझने में, और बहुत सारे घर टूटने और अलहदगी का सबब ये आयत बनती है। निकाह के वक्त यह आयत पढ़ दी जाती है, वलीमे से अगले दिन मकलावे वाले दिन और बड़े आराम से मर्द के कान के अंदर यह फूंक मारती है। पादरी साहब का कलाम सुनाया सर जी, बड़ा सोहना सुनाया सी उन्होंने। साढ़े भाई साहब है ही बड़े जबरदस्त कलाम सुनाते हैं। उन्होंने कहा सी कि तू अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, फिर बखरा किधर होना है। कलाम कहता मैं तो नहीं कहती, वो हर रोज खुदा का कलाम एक ही आयत में सुनाती है, वो फिर इतना को विरद कर लेता है कि वो देते फिर इस आयत का जादू चल जाता है और वो क्या हो जाता है। ऐसा नहीं है, ये आयत का सिर्फ एक हिस्सा है। आयत का अगला हिस्सा जो है वो इस आयत को समझने में हमारी मदद करता है और खुदा का बंदा पालूस रसूल इस बात को बड़ी ऐसे तरीके से हमें समझाता है और बताता है, तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते तुम्हें फुर्सत मिल सके, तुम दुआ कर सको और लफ्ज पर गौर करें, कहीं गलबाए नफ्स के सबब से शैतान तुम्हें ना आजमाए। अगर बिब्लिकल हिस्ट्री को देखा जाए तो इब्तिदा में यह होता था कि जब यहूदी शादियां की जाती थी तो यहूदी खैमों के अंदर रहते थे और इज्तमाई तौर पर रहते थे, उनके अंदर जॉइंट
फैमिली को तरजीह दी जाती थी, और जब कोई नया शादीशुदा जोड़ा आता था, नई शादी होती थी, तो उनको इकट्ठा रहने के लिए एक अलहदा फौजी जुबान में इसे बीबक कहते हैं, एक इतना सा खैमा जिसके अंदर सिर्फ दो लोग आ सके। और उन्हें उन खैमों में से जहां पर उनके खैमे लगे होते थे एक अलहदा छोटा खैमा बनाकर दिया जाता था जिसके अंदर वो दोनों रह सकें। और बाइबल के अंदर हम इस बात की ताइद देखते हैं कि बाइबल ताइद करती है इस बात की कि जिसने शादी की है वो जंग पर ना जाए। क्या करे? जंग पर ना जाए, वो अपनी बीवी के पास रहे, और उन्हें उन खैमों से जहां वो उसके बाकी फैमिली रहती थी पीछे इसलिए खैमा बना कर दिया जाता ताकि वो तन्हाई में एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सके, वो एक दूसरे को समझ सके, अपने रिलेशंस को एक दूसरे के साथ मजबूत कर सके। छाट के नवा खैमा पाड़ते ना लालन, और लिखा है कि अपनी रूहानी जिंदगी को भी मजबूत रखना है, सिर्फ आपस में ही मलाप नहीं रखना बल्कि खुदा को भी वक्त देना है। और इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम माँ बाप बहन भाइयों को रिश्तेदारों को छोड़कर अलहदा से एक कमरे वाला एक बैठक ले लें, नहीं। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो गलबे नफ्स के सबब से शैतान हमें आ पकड़ेगा, शैतान हमें आजमा लेगा, हमें अबलीस पर गालिब आना है, और खुदा हमेशा जॉइंट फैमिली को तरजीह देता है, और खुदा चाहता है कि हम इकट्ठे रहें। और इन आयात के अंदर मियां बीवी एक रिश्ते के अंदर दो अहम जुज़ हैं जिन पर अक्सर औकात या तो पर्दा डाल दिया जाता है या गलत समझा और बयान किया जाता है, और सही बयान ना करने के सबब से सास और बहू की नहीं बन पाती है। सो मेरे अजीजों, वक्त को मद्देनजर रखते हुए यहां पर सिर्फ इतना बताना ज्यादा जरूरी समझता हूं कि उनका ये जो मियां बीवी से मिला रहेगा सिर्फ दो चीजें हैं। नंबर एक मोहब्बत, कि उनके दरमियान जब वो अलहदा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे तो एक दूसरे के लिए मोहब्बत बढ़ेगी, और जिंसी मलाप के लिए ताकि वो नस्ल को आगे बढ़ा सकें। सो मेरे अजीजों, जरूरी है कि हम इस बात को समझें और इस आयत का नजायज फायदा उठाते हुए अपने माँ बाप को ना छोड़ें। शादीशुदा जोड़े इस बात को समझें कि जो बरकत जॉइंट फैमिली में है, अगर अकेला रहना ही अच्छा था तो खुदा कभी भी आदम को हवा ना देता, और आदम और हवा को बरकत भी ना देता। उन्हें कहना कले फिरते रहो बाग दे बेच, जो दिल किता बह गए नहीं तो फिरते रहो कि एक दा इधर मुँह तो एक दा उधर, ऐसा नहीं है। खुदा एक से दो और दो से तीन करना चाहता है, और चाहता है कि उनके अंदर अगापे मोहब्बत हो, वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें, और हमेशा खुदा की मोहब्बत के अंदर बढ़ते रहें। आखिरी बात, और फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे। शादी का भेद मेरे साथ निकालिए इफिसियों उसका पांचवा बाब और 31वीं और 32वीं आयत, और इसमें यह लिखा है, इसी सबब से आदमी बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं, वो शादी के इस बंधन को इस कदर मजबूत और पाक करता है और हमें समझाता है कि जैसे कलीसिया और मसीह है, कलीसिया यीशु की क्या है? क्या है? दुल्हन है। यीशु हमारा क्या है? यीशु हमारा क्या है? असर पगले आ दिए। और यीशु हमारा क्या है? जिन्हें की शादी नहीं होना था भी है। हाँ, यीशु हमारा क्या है? सारे बोलो फिर ये बता, नहीं लाड़ा नहीं, ये नहीं मैं पाख्या जाना अदूले वाली लोग बाद जो मेरे को पूछते रहा जी लाड़ा की हुंदा। हाँ जी, यीशु हमारा क्या है? दूल्हा है, और हम उसकी दुल्हन है, और वो कहता है शादी का भेद बड़ा है, और वो इस भेद को
हमें बताना चाहता है कि यीशु कैसा दुल्हा है, यीशु ने कलीसिया के लिए क्या किया है। यीशु एक ऐसा दुल्हा है जिसने दुल्हन को नाजुक जुल्फ समझा और उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचने दिया। यीशु ऐसा दुल्हा है जिसने कलीसिया को कभी तनहा नहीं छोड़ा, और जब जब कलीसिया से गुनाह सांसद हो गया, जब जब कलीसिया दुल्हा से जुदा हो गई, उसने अपना खून देकर फिर से दुल्हन को अपने साथ मिला दिया। उसने दुल्हन को छोड़ा नहीं है, उसने दुल्हन पर तंज नहीं किया, उसने दुल्हन को आग में झोंकने के लिए छोड़ नहीं दिया, बल्कि कुर्बानी 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 और कुर्बानी दी है ताकि दुल्हन बच जाए। आज के दुल्हे इस बात को याद रखें कि हर खामंद की यह जिम्मेदारी है, हर मसीही शोहर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी के लिए कुर्बानी दे, उसके लिए खून बहाए, उसकी इज्जत करे, उसे बचाए। और यह बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती कि मर्द कुर्बानी दे और औरत कुर्बानी लेती रहे, उसे भी उसको लिए कुर्बानी देनी है। जब उसने कलीसिया के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया तो फिर कलीसिया भी उसके इंतजार में बैठी रहती है, कलीसिया किसी दूसरी खुशखबरी को कबूल नहीं करती, कलीसिया खून के वसीला से निजात पाने के बाद उसके आने का इंतजार करती है, वो अपने दूल्हा का इंतजार करती है, अपने दूल्हा से प्यार करती है और अपने दूल्हा के सिवा किसी दूसरे की तरफ निगाह नहीं करती, जिसकी मिसाल हम गजलों गजलात के अंदर देख सकते हैं। और वो चाहता है कि ऐसी ही दुल्हन हो जो अपने दूल्हा का ख्याल रखे, अपने दूल्हा के इंतजार में रहे और जब वो आए तो उसे खुश कर सके, उससे मोहब्बत कर सके। और जब मैं मोहब्बत के ऊपर सीख रहा था तो उनकी मोहब्बत बेलोस होनी चाहिए, एहो जी मोहब्बत नहीं, गया है तो की ले आएगा, आया तो की आंदा ही, ऐसी नहीं। वो सिर्फ इज्जत और मोहब्बत, एहसास और प्यार और जज्बा, और इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, लेके भी आनी है, इना के भाई साहब ने अकेले आनी नहीं। मोहब्बत पर जब हम बात करते हैं तो मोहब्बत को जब हम इब्रानी और यूनानी के अंदर देखें तो चार अल्फाज हमें मोहब्बत के मिलते हैं। नंबर एक, जब हम मोहब्बत के अल्फाज के ऊपर गौर करें तो उसके लिए अगापे मोहब्बत है, नंबर दो फिलिया मोहब्बत है, नंबर तीन स्टोरगे और नंबर चार एरोस। और दो मिनट में हम इनको सीखेंगे। सबसे पहले हम एरोस के ऊपर बात करेंगे। एरोस मोहब्बत जो है ये वो मोहब्बत है जो जिस्मानी जोश की मोहब्बत की तरफ इशारा करती है। इसे नाकाबले बर्दाश्त जोशीली ख्वाहिश बयान किया गया है और बुनियादी तौर पर इसका इशारा दो जिस्मों के मलाप की तरफ है। यह मोहब्बत हमेशा कुछ न कुछ हासिल करने की कोशिश करती रहती है। दूसरी मोहब्बत फिलिया मोहब्बत, यूनानी में यह लफ्ज आम दोस्ताना मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होता है। यह बुनियादी तौर पर शादी में दो जानों की यगानगत को बयान करता है। आमतौर पर इसकी बुनियाद दो इशखास में शौरी और जज्बाती यकसानियत पर होती है, ये जिस्मानी मोहब्बत से बरतर है। ऐसी मोहब्बत को असुदगी का एहसास मिलता है और वो किसी जरूरतमंद की मददगार या मुहाफिज होती है। ये जो फिलिया मोहब्बत है इसके अंदर शोहर और मियां बीवी ये समझते हैं कि हमें एक दूसरे को तहफ्फुज देना है, एक दूसरे को महफूज रखना है और एक दूसरे की जरूरियात को पूरा करना है। स्टोर की मोहब्बत जो है ये मोहब्बत
والدین کی محبت کے لیے ہے اور صرف والدین کی محبت کے لیے استعمال کی گئی ہے. وہ محبت جو والدین بچوں سے کرتے ہیں اور وہ محبت جو بچے والدین سے کرتے ہیں, اس محبت کو سٹور کے کہتے ہیں. لیکن ان تینوں سے افضل محبت جو ہے, جس محبت کی سطح بلند ہے, اگاپے محبت. اور یہ اگاپے محبت خدا کی طرف سے ہے جو روح کو ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے. رومیو 5 باب اور اس کی 5ویں آیت کے اندر ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں. یہ بنیادی طور پر شادی میں دو روحوں کے ملاب کی طرف اشارہ کرتی ہے. اس محبت کا خاصا اظہار ہے, اس کا اظہار کلمری پر ہوا ہے. اور اس کے بارے میں جب ہم بات کریں تو دیکھیں کہ کلمری کے اوپر اگاپے محبت کیسے ہمیں نظر آتی ہے, کہ دلہا دلہن کے لیے کیا کرتا نظر آتا ہے. اور آخری بات, میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا آج کے کپلز کے اندر ان تینوں محبتوں کو پیدا کرے, ایروس, فیلیا اور اگاپے محبت ان کے اندر ہو. اور جب یہ بڑھیں تو پھر یہ سٹور پے کو بھی اپنی زندگی کے اندر لے آئیں. لیکن افسوس کہ آج کی محبت کے اندر صرف اور صرف, شاید آپ میں سے کچھ خادم اور کچھ لوگ اتفاق کریں گے کہ آج کی محبت کو صرف ایروس محبت کے طور پر دیکھا جاتا ہے. آج شادی شدہ جوڑوں کے اندر بھی اور ہر ایک نوجوان کسی دوسرے کے لیے اپنے اندر جو محبت رکھتا ہے وہ صرف ایروس محبت نظر آتی ہے اور باقی کی محبت ہمیں نظر نہیں آتی. اور ایروس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ جوشیلی محبت ہے, صرف دوسرے کو پانے کی خواہش ہے. جسمانی اور محبت تک یہ محدود رہ جاتی ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 4 اور 8 آیت کی محبت ہمارے اندر. اگاپے محبت کی یہ خوبی ہے. اور اگاپے محبت کی تعریف اگر کی جائے تو میری نظر میں پالوس رسول نے اس کی بڑی خوبصورت تعریف پہلا کرنتھیوں اس کے 13واں باب اور اس کی 4 اور 8 آیت کے اندر کیا ہے. اور اس کے اندر اگر ہم پڑھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ محبت صابر ہے. سبا پلیز اس کو نکالیے گا ذرا. محبت کیا ہے؟ سب کچھ, سب باتوں کی آجدی ہوا کر دی, ساستی بھی برداشت کر دی, بندے دی بھی نہیں کر دی نا. لیکن محبت اگاپے رکھتی ہے. جی اگر نکالا تو صرف انہی آیتوں کو پڑھیے گا, پھر ہم دعا کرتے ہیں. جی مہربان. اگر میاں اور بیوی دونوں اگاپے محبت کو اپنے اندر رکھتے ہیں تو ایک دوسرے کی برداشت بھی کریں گے, ایک دوسرے کے لیے صبر بھی رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر مہربان بھی ہوں گے. جی حسد نہیں کر دی, میں تیرے نال بہتا سونا تو میرے نال کٹ جچ دی نہیں. میرے نال تسی بھی کیڑا جچ دے ہو, سارے میری ہی تعریف کرتے ہیں, ایک دوسرے نوں ساڑ دے رہندے ہیں. حسد نہیں کرتی بلکہ ایک دوسرے پر مہربان ہوتی ہے. جی شیخی نہیں مارتی, پھولتی نہیں, اپنی بہتری نہیں چاہتی بلکہ دوسرے کی. وہ اپنے شوہر کی بہتری چاہتی ہے اور شوہر بیوی کی بہتری چاہتا ہے. وہ اسے تحفظ دیتا ہے, اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے, وہ اسے ڈرتی رہتی ہے اور اس کی محبت کو محسوس کرتی ہے. جی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے. شکایتاں لا کے خوش نہیں ہوں دی, غلطیاں پھڑ پھڑ کے خوش نہیں ہوں دی بلکہ انہیں دور کر کے خوش ہوتی ہے. محبت کی اگر اگاپے محبت کی تعریف کی جائے تو یہ شک کرنے میں دھیمی لیکن اعتبار کرنے میں تیز ہے, رد کرنے میں دھیمی لیکن راست باز ٹھہرانے میں تیز ہے, دکھ دینے میں دھیمی لیکن حفاظت کرنے میں تیز ہے, ملامت کرنے
करने में धीमी लेकिन तारीफ करने में तेज है, लेने में धीमी लेकिन देने में तेज है, इश्तियाल दिलाने में धीमी लेकिन मेल मिलाप करने में तेज है, रकावट ढालने में धीमी लेकिन मदद करने में तेज है, अजुर्दा होने में धीमी लेकिन माफ करने में तेज है। एक ईमानदार की शादीशुदा जिंदगी में तीनों किस्म की मोहब्बत का होना बड़ा जरूरी है। अगर ये तीनों मोहब्बतें उसकी जिंदगी में नहीं है, शक करने में क्या असीन उल्ट कर लेना है, शक करन च तेज अगे ते 8 बजे आंदे हो, अजकल 9 बजे आ लगते हो, परफ्यूम भी तेज लांदे कौन तुसी, तुहाडे लक्षण मैनूं कोई ठीक नहीं लगन दे, वो शक करने में धीमी है, इत्मीनान करने में तेज है। अगर ये 8 की बजाय 9 बजे आ रहा है तो यकीनन इसके दिल में मेरे लिए कुछ ऐसा होगा, ये बड़ा करना चाहता है, वसाइल इतने नहीं है, ये ओवर टाइम लगाता होगा। और वो आने पर उसे कहती है, तुसी ते 8 बजे बड़े थक जाते हो, 9 बजे आते हो बहुते थक गए होवोगे, शरबत ले आवां, लत्तां घुट दवां, नहीं इत्थे ते भन्नण नूं फिरदे ने सारे। मेरे अज़ीज़ो, तीनों मोहब्बतें जरूरी हैं, अगापे मोहब्बत, फिलिया और एरोस। मोहब्बत का नजरिया तब बदल गया जब इंसान से गुनाह हुआ और गुनाह के बाद ये मोहब्बत तब्दील हो गई। खुदा के नज़दीक ये मोहब्बत तब मोहब्बत होगी जब ये तीनों मोहब्बतें होंगी। आज शादीशुदा जोड़े अपनी जिंदगी में देखें, आपकी शादी का मकसद क्या है, आप घर का क्याम कैसे करेंगे, आप एक दूसरे के साथ किस लिए जुड़े रहते हैं और आप एक दूसरे से कैसी मोहब्बत रखते हैं। आए अपनी आंखों को बंद करें।